रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में शेरनी दस्ते को कराए जा रहे कैप्सूल कोर्स प्रशिक्षण के दूसरे दिन सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने ब्रीफ किया। आपको बता दें, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा शेरनी दस्ते को स्मार्ट पुलिसिंग का प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज में और बेहतर तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए परिपक्व बनाया जा रहा है। इसी क्रम में शेरनी दस्ते को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें समाज में लोगों से बेहतर समन्वय स्थापित करने और पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सके। प्रशिक्षण के दौरान शेरनी दस्ता ट्रेनिंग कमांडर संतोष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, महिला सिपाहियों में एक श्रेणी दस्ता का गठन एसएसपी साहब द्वारा किया गया है, जिसमें इनको स्कूटी प्रदान की गई है। इसमें सर्किल वाइज प्रशिक्षण का प्रोग्राम है। इस समय 3 दिन, कल से प्रोग्राम चल रहा है 20-21-22 कैंट सर्किल में, जो महिलाएं जो स्कूटी पाएंगी उनको 3 दिवस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें इनको कानून के संबंध में बेसिक चीज़ें, साथ ही इसके अलावा इनको योगा और थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट की भी बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी संदर्भ में इसमें सभी के क्लासेस लगे हैं। इसमें मेरे द्वारा भी इनको निरोधात्मक कार्रवाई के संबंध में पढ़ाने को निर्देश कप्तान साहब द्वारा दिया गया था, जिस संदर्भ में इनको आज पढ़ाया गया है और इनके जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर किए गए हैं। सर, क्या ये स्मार्ट पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए खास मुहिम चलाई जा रही है? बिल्कुल, ये इसी के लिए एक प्रक्रिया के तहत किया गया कार्य है, ताकि जो हमारी नीचे कांस्टेबलरी भी अगर किसी भी मौके पर जाती है तो उसके पास भी कानून का इतना ज्ञान जरूर हो कि वहाँ पर जो भी लोग हों उनको एक कानून की बात कर सके और कानूनी तरीके से ही हैंडल कर सकें। इसी के तहत इनको कानून के जितने बेसिक सब्जेक्ट हैं जिनकी फील्ड पे अक्सर जरूरत पड़ती रहती है, उसके बारे में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है।